आरकेपी साइंस टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। और मैथ डाउट में आज हम आप लोग के सामने आरडी शर्मा का ये जो है एलजेब्रिक आइडेंटिटीज में एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 इसको जो हम लोग सोल्व करते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6, और दिया हुआ है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू 3/2। देन ए बाई बी प्लस ए बाई सी प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई बी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से इसको लेते हैं, चूँकि इसको निकालना है तो यहाँ से इसको लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दोनों दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लेते हैं। तो क्या लिखा सकता है यहाँ पे, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। उसी तरह से फिर प्लस यहाँ दोनों में देखिए बी बी इसमें कॉमन है तो बी बी ले लिए कॉमन। तो क्या लिखाया, 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। उसके बाद फिर यहाँ देखिए सी सी कॉमन है तो यहाँ पर जो है सी कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू 3/2। तो जब बी 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी तब क्या होगा, 1 बाई ए 3/2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3/2 माइनस क्या लिखाएगा, 1 बाई ए। उसी तरह से अगर 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी निकालना हो, 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी अगर निकालना हो तब क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 बाई बी। उसी तरह से अगर निकालना हो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी तब क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 बाई सी। मतलब जो भी यहाँ पे दिया हो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बच गया उधर 3/2 में माइनस कर देंगे और सारा का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो सके। तो यहाँ पर हो गया ए इंटू कितना, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 बाई ए प्लस बी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी का वैल्यू कितना है, 3/2 माइनस 1 बाई बी। और प्लस सी, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का वैल्यू कितना है, 3/2 माइनस 1 बाई सी। ये इस तरह से अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो गया, 3a/2 माइनस a इंटू a करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, -1 हो गया, प्लस 3b/2 और माइनस बी बी कैंसिल, -1 चलाएगा, फिर 3c/2 और c से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 बाई c को तो c c कैंसिल हो गया, -1 आ गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 3b/2 प्लस 3c/2 और -1 -1 -1 -3 चलाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे तीनों में 2 LCM है, LCM ले लिए 2 और क्या हो गया, 3a+3b+3c और -3। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, a+b+c/2 और -3। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का कितना वैल्यू दिया है, 6 दिया हुआ है तो यहाँ रख देंगे वैल्यू, 3 × 6/2 - 3, 2 × 3 = 6 हो गया, 3 × 3 = 9 - 3 यानी कि 6। तो इसका जो आंसर होगा 6 होगा। तो अगर ये मैथ समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हमें बताइए ताकि और हम इस तरह के वीडियो को बना सकें। फिर मैं चला वीडियो बनाने और फिर आगे मिलते हैं।